तीर्थराज प्रयाग में मोरारी बापू के राम कथा पंडाल से अब हम आपको लेकर आ गए हैं कुछ दूरी पर। और राम कथा लगभग संपन्न हो चुका है और लोग भोजन प्रसाद इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर विशाल संख्या में की गई है लोगों के लिए वह दिखाई पड़ रही है। भीड़ आप देख रहे हैं, यह भीड़ न तो पैसा दे के बुलाई गई है और न ही इनको आमंत्रण दिया गया है। यह भीड़ यहाँ पर बिना बुलाए ही गंगा यमुना और सरस्वती के पावन पवित्र धरती पर अक्षय वट के ठीक सामने यमुना के बिल्कुल तट पर मुरारी बापू जी की कथा चल रही है और उस कथा में बिना बुलाए भीड़ प्रभु भक्ति में लीन होकर चली आई है। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर आपको उनका उनको कैसा महसूस हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कथा पांडाल से लेकर व्यवस्थाओं तक क्या कुछ विशेष किताब। बहुत बढ़िया, जैसे यहाँ पे आप पूछ पा रहे हैं कि यहाँ का पंडाल और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे लगी। हमने कई बाबाओं से भी मिले, यहाँ के जो प्रशासन जो व्यवस्था है काफी यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब कि एक तरीके से पूरा यहाँ का पंडाल ही श्री राम भव्य हो गया है। माँ गंगा के बगल में पंडाल पूरा यहाँ पर, उसकी जैसा कि हम यहाँ पे आके देखे, यहाँ पे व्यवस्थाएं तो बड़ी दुर्लभ बन गई हैं। जी जी जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप भी इस चैनल के रिपोर्टर हैं, मुझे पता है। और यहाँ पे कुछ जब आप पंडाल में गए तो कुछ दुर्लभ और विशेष नहीं आपको दिखा? नहीं, दुर्लभ यहाँ पे विशेष बहुत लगा। जैसे हम देख रहे हैं हर स्थान पे प्रशासन व्यवस्था टाइट है। दुर्लभ जो कि बहुत अच्छी बात ये लगी, जब हम वहाँ पे राम प्रभु श्री राम का प्रवचन सुन रहे थे तो वहाँ पर पूरा कहने का मतलब पूरा राम भक्त हो ही गया था। दुर्लभ यहाँ पर जैसे कई बाबा वगैरह हैं बैठे हैं जो कि लोगों को चंदन लगा रहे हैं, श्री राम ओम नमः शिवाय, जो जैसा यहाँ पे जिस प्रकार। साथियों, हम पुनः आपको लेकर उसी स्थान पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ युवा बैठे हैं, कुछ जिससे चर्चा करेंगे ही यहाँ के बारे में, हम और लोगों से जानने कोशिश करते हैं। बाबा जी, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से हैं बाबा जी? गुजरात से हैं। आप गुजरात से? यह आस्था देखने को प्रयाग में मिल रही है माघ मेला के बाद। बाबा जी, राम कथा में आप आए हैं प्रारंभ से ही? बाबा गुजरात में कहाँ से हैं? भावनगर जिला। अच्छा, बाबा बापू के दल का जड़ कपास से। मुरारी बापू के आप अनन्य भक्त हैं, तो कथा में ये बताइए कैसी अनुभूति हो रही है प्रयाग में सुनकर? अक्षय वट पे कथा चल रही है, अक्षय वट की महिमा आपको कैसे लग रही है? अच्छे लग रहे हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? रमेश गिरी गोस्वामी। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। आप भी गुजरात से हैं? किस जगह से गुजरात है बाबा जी? महाधाम मुरारी बापू का नेटिव प्लेस है। बाबा जी, अक्षय वट पे कथा चल रही है तीर्थराज प्रयाग में, और अक्षय वट की महिमा को सुनकर आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? पहली बार सुन रहे हैं ऐसी महिमा? पहली बार सुन रहे? नहीं, अभी मेरे बताते मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सालों पहले अक्षय वट का जो महत्व रहा होगा और यहाँ ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की होगी, उसका फल अभी हम भुगत रहे हैं। इतने सालों के बाद उसका फल हम भुगत रहे हैं। बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। आप बता रहे हैं कि बापू ने आज सातवां दिन कथा का था और सात दिन में अक्षय वट के ऐसे ऐसे तर्क और महिमा बता दिए कि सोच कर भी लोग आश्चर्यचकित कर रहे हैं। बाबा जी, थोड़ा आप करीब आइए इधर, हम आपसे जानेंगे बापू जी को आप कितने वर्षों से सुन रहे हैं? मैं गुजरात में तो कई सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन 82 में जब चित्रकूट में बापू जी पहली कथा हुई थी तो वो पहली मेरी गुजरात के बाहर की कथा थी। लेकिन उससे लेके अब तक मैं भी, मेरी सर्विस भी थी, मैं आई वाज एजुकेशन इंस्पेक्टर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। लेकिन जब भी मौका मिले, जब भी छुट्टी मिले तो मैं बिलक बिलक जगह पे जाके धार्मिक स्थान वहाँ जाके बापू की कथा सुनता। बाबा जी, एक अंतिम प्रश्न हम जानना चाहेंगे, राम कथा सुनने से, कहने से, गाने से, पढ़ने से, सुनाने से क्या क्या कुछ प्राप्त कर सकता है व्यक्ति? देखो, ये मैं तो ये कहता हूँ कि राम कथा सुनने से ही मनुष्य को यही बड़ी बात है। अरे ताली बजा दो सब लोग। आपको लेके चलते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।